हम जानते थे, हमने भी देखा, पर हमें समझ में आ रहा कि हम करें क्या। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि महिला मंडल को यहाँ बुलाएं, रश्मि भाभी का हाल दिखाएं और शुक्ला आंटी पे ना केस करवा दें। पूरे घर में तो जैसे मातम छा गया है। मजुमदार अंकल ने तो बहुत कोशिश की सिचुएशन को कंट्रोल करने की, अगर आज शुक्ला आंटी ने कहा उसके बाद तो। एक सेकेंड, रश्मि भाभी ने क्या बोला? रश्मि बोल कम रही है, रोज ज्यादा। उसे अपने पेरेंट्स की इंसल्ट का बहुत बुरा लगा है और वो किसी भी लड़की को लगेगा। रश्मि शादी में इंटरेस्ट खोती जा रही है। हमें तो डर है कि इन सब बातों की वजह से बिना मतलब की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, समझ ही नहीं आ रहा है। एक आइडिया है हमारे पास, क्यों ना हम शुक्ला अंकल और शुक्ला आंटी को किसी काम में इतना बिजी कर दें ताकि उनके पास इन सारी चीजों के लिए वक्त ही ना रहे। जैसे? अरे सिंपल है, जैसे जैसे हम उनके खाने में वो मिला देते हैं, वो क्या बोलते हैं, जमाल गुट। उसके आगे क्या होगा वो तो आप जानती, हमें इतना वक्त मिलेगा कि हम माधव भैया और रश्मि भाभी को ले जाकर उनकी शादी करा देंगे। आप सीरियस है? नहीं, हम मजाक करते, सीरियसली मजाक था, बहुत ही स्टूपिड मजाक था। अरे स्टूपिड चीजों के लिए ही फेमस है हम, पूछे चुटकी से। वैसे ऑन अ सीरियस नोट लहर, हमें आगे क्या करना चाहिए? आप पहले माधव भैया से बात करिए, सिर्फ वही है जो सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अगर वो अपने मम्मी पापा से बात करे तो। लेकिन सबसे पहले उन्हें रश्मि को संभालना होगा, वो इतनी दूर से स्पेशली उन्हीं के लिए आई हैं, उनका ख्याल तो रखना चाहिए उन्हें। करेक्ट। मैं तो डर है कि कहीं माधव भैया शादी से पहले उनकी नजरों से गिर ना जाएं, वरना। नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, माधव भैया से हम खुद बात करेंगे, हम करेंगे बात, चिंता मत कीजिए। तो चलते हैं। वैसे किसी ने किसी को कहा था कि इसी के आस पास ना आए। फिर जिस किसी को कहा था आज उसी के पास मदद मांगने, और उस किसी से अब कोई ये कहता है कि जब कोई जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनता है तो एक्चुअली उस ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ नजर आता है। किसी ने किसी को कहा, शुक्रिया, हौसला अफजाई का। बस माँ बस, भगवान के लिए अब आप चुप हो जाइए। एक ही बात बार बार घुमा फिरा कर कह रही हूं, किसकी नाक कटवाई है मैंने, किसकी इज्जत उछाली है, मैं अमेरिका से यहां किस लिए आया? आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। अगर मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं होता तो अब तक मैं आपको अमेरिका से अपनी शादी की फोटोज भेज रहा होता। क्या जरूरत थी मुझे यहां आने की, लेकिन आज मुझे जरूरत है मां, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आज मेरा फर्ज है आपको सुख देना, मेरा धर्म है आपको सहारा देना। मेरे ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो अपने पेरेंट्स को बुलाकर जिंदगी जी रहे, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता।
मेरी जिंदगी का आसमान जमीन सब आप ही हैं। एक बार अपना नजरिया बदल के देखिए। लोग बुरे नहीं है, कोलकाता से आपके बेटे की सबसे बड़ी खुशी लेकर आए। और मैं भी जानता हूं कि आप लोग मुझे नाखुश नहीं देखना चाहते, क्या है माता जी? मरवाई थी जी, वो शरबत लाए हैं। हमारा मतलब शरबत लाए थे। तो जा फिर लेकर आना। लगता है सबके गले सूख गए हैं। जा लेकर आ। माधव बेटा, अरे अपनी मां को क्यों इतना रुला रहे हो तुम? मुझे जो कहना था मैंने आप लोगों को कह दिया। बस ये आखिरी चीज मांग रहा हूं आप लोगों से, प्लीज मां, ममता दिल में जितना भी जोर मारे पर तुम झुकना मत। जिस तरह अब तक मैदान में जमी हो ना, वैसे ही जमी रहना। देखिए आप बैठे हैं, प्लीज बैठिए। माधव भैया, ये क्या हाल बना रखा आपने? आपको पता है वहां पे रश्मि अभी सुबह से रो रही है, अभी तक रोना बंद नहीं किया उन्होंने। देखिए हमें समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है, और हमने आज तक आपको इतना बेबस, इतना लाचार कभी नहीं देखा। पता नहीं कौन किस बात से बेबस है और क्यों है। सिंपल सी शादी, ये सूरत हो गई उसकी। रश्मि रो रही, अच्छा मैं कुछ नहीं कर पा रहा। माधव भैया देखिए, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी एक साथ बिताना चाहते हैं, वहाँ रश्मि भाभी इतनी अच्छी हैं, उस पे अरे बुरे तो मेरे माँ बाप भी नहीं है यार, सब अच्छे हैं, सब अच्छे। अगर कुछ बुरा है तो बस मेरी किस्मत। नहीं माधव भैया, आपकी किस्मत खराब नहीं है। अगर कुछ खराब है तो ये सिस्टम खराब है, ये सोच खराब है। अंकल आंटी को इतना नहीं पता कि उनके बेटे पे क्या गुजर रही है। उन्हें अगर किसी बात की फिक्र है तो वो ये कि उनके बिरादरी वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। आपकी किस्मत बिल्कुल खराब नहीं है। अरे वो लोग जिनसे मेरा लेना देना नहीं है, उन लोगों की वजह से मेरी रश्मि मुझसे छीनी जा रही है। माधव भैया आप ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। देखिए हमारी तरफ, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आपको पता है रश्मि भाभी की क्या हालत है, कितना रो रही है वो। आप एक काम कीजिए, आप चलिए हमारे साथ, चलिए उनसे मिलकर। नहीं अभी नहीं, अब ये सब हो जाने के बाद मैं रश्मि के पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें। मैं उनके सामने नहीं जा सकता अभी, बस
माधव भैया, आप उनसे मिल नहीं सकते पर आप उनसे फोन पे तो बात कर सकते हैं। ये आईडिया अच्छा है, आप ये लीजिए, बात कीजिए उनसे। हाँ माधव भैया, बात कीजिए, लगाइए फोन, लगाइए। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह देखेंगे। कल सुबह मतलब आप रश्मि भाभी को रात भर रोने पे मजबूर कर देंगे, उन्हें इसी हालत में छोड़ देंगे? फिर मैं क्या करूं अबीर,